वेलकम टू TTI, साइंस फन और मशीन्स की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। कनेटिक वॉल्स, मिलिए कनेटिक वॉल्स से। ये इंजीनियरिंग का एक नया ट्रेंड है जिसमें एक ही सतह पर लगातार मोशंस को एक साथ बड़े डिजाइन की शक्ल में दिखाया जाता है। इस इफेक्ट के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और स्पेशल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इस सिस्टम में वायर्स का एक कॉम्प्लिकेटेड जाल होता है जो हाइड्रोलिक सिस्टम और सेंसर्स के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा इस नए दिलचस्प अंदाज को इटली के डिजाइनर्स लेवा ने बनाया है, जिसमें उन्होंने लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए 45 मॉनिटर्स को अलग अलग चाल के साथ खूबसूरत पैटर्न्स का दिलकश नजारा बनाते हैं। मैक्रीट फ्लेक्सी आर्च ब्रिज सिस्टम। मैक्रीट फ्लेक्सी आर्च ब्रिज सिस्टम काम की क्षमता बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त टूल है। इस ब्रिज सिस्टम में 6 से ज्यादा जॉइंट होते हैं और इसे इंस्टॉल करने के लिए रेडीमेड ले जा सकते हैं। वैसे देखने पर ये आपको बिल्कुल मजबूत बीम लगेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि कैसे इन बीम्स को क्रेन से उठाकर सही जगह पर बैठाया जा रहा है। ब्रिज सिस्टम का हर ऐसा हिस्सा 35 बड़े ब्लॉक से बना हुआ होता है जिसको एक साथ फ्रेम से पकड़कर उठाया जाता है। इनके साइज अलग अलग होते हैं, जिनमें ज्यादातर 3 से 15 मीटर की रेंज में होते हैं, जिनमें फ्रेम की सपोर्ट भी शामिल होती है और सब के सब रेडीमेड इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इंस्टॉलेशन के वक्त ब्रिज को एस्फॉल्ट से लगाकर रोड को लेवल किया जाता है। मैक्रीट फ्लेक्सी आर्च ब्रिज सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड लिमिट बिल्कुल सेफ है। मैनुअल लेजर वेल्डिंग। मैनुअल लेजर वेल्डिंग अब तेजी के साथ हर प्रकार के कठिन शेप्स बना सकती है। मैनुअल लेजर वेल्डिंग लेजर की तपिश को इस्तेमाल करती है, जिस कारण एटॉमिक बॉन्डिंग बनती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने में ये बहुत काम आने वाली चीज है। वेल्डिंग के इस अनोखे तरीके से अलग अलग धातु के मटेरियल्स को आपस में 1 मीटर लंबाई तक जोड़ा जा सकता है। वेल्डिंग किए जाने वाली लेजर की मोटाई 2 मिलीमीटर तक की होती है और इस डिवाइस में लेजर की पावर 400 वॉट्स होती है और ये इतनी मजबूती से जोड़ती है कि ठंडा होने के बाद इसे निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। माइक्रो वेल्डिंग दूसरे वेल्डिंग के तरीकों से बहुत अलग है और इसलिए भी क्योंकि ये डिवाइस बहुत कम मोटाई पर वेल्डिंग कर सकती है और ये डिवाइस छोटी जगहों तक आराम से पहुंच जाती है। इस फीचर के अलावा माइक्रो वेल्डिंग सेम वैसे ही काम करती है जैसे कि दूसरी और डिवाइसेस करती हैं। ये डिवाइस एक खास लेजर रेडिएशन को इस्तेमाल करती है जो बीम पर फोकस करके वेल्डिंग की जगह रिफ्लेक्ट करती जाती है। ये डिवाइस धातु पिघलाती है और वेल्डिंग करती जाती है और इसमें वेल्डिंग की मोटाई कम ज्यादा भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये डिवाइस कई तरह के वेल्डिंग वाले कामों में इस्तेमाल हो जाती है। जौहरी भी इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। और भी ऐसे अनेक दूसरे काम हैं जहां महारत और प्रिसिशन चाहिए होती है, वहां ये माइक्रो वेल्डिंग बहुत कारगर साबित होती है।
रोबोथ्रेड। रोबोथ्रेड MIT के इंजीनियर्स का बनाया हुआ एक धागे जैसा चुंबकीय डिवाइस है जो इंसान के दिमाग की छोटी नसों में भी पहुंच सकता है। जैसे कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये अद्भुत डिवाइस मेडिकल फील्ड में कितनी काम आ सकती है। और इसके होने से शरीर के अंदर डॉक्टर सब पेशेंट के दिमाग में ऐसे रोबोट्स द्वारा नसों में आने वाली बहुत सी बीमारियों का इलाज भी कर सकेंगे। रोबोथ्रेड से स्ट्रोक का भी इलाज संभव हो जाएगा जो दुनिया भर में मौत या कोमा का एक अहम कारण रहा है। बल्कि रोबोथ्रेड स्ट्रोक को बढ़ने से पहले ही डायग्नोस कर सकेगा और लाखों मरीजों को बचाया जा सकेगा। Yandex ऑटोनॉमस कार। Yandex ऑटोनॉमस कार इंटरनेट कंपनी Yandex का पहला रोबो टैक्सी प्रोजेक्ट है। इसका पहला मॉडल मई 2017 में लॉन्च हुआ था, जबकि रशिया में यह अपनी फंक्शनल सर्विसेज के साथ लॉन्च हुआ था। और इसी तरह इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इन मॉडल्स को टेस्ट किया जा चुका है। यहाँ मॉडिफाइड टोयोटा प्रियस प्लस यूज में है, जिसमें 3 लाइडर के ऑप्टिकल सेंसर्स, 6 रेडार यूनिट्स, 6 कैमरे, नेविगेशन का एक GNSS सेंसर, इंटेल CPU और NVIDIA GPU जो वर्क करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मई 2018 में Yandex ने आम पब्लिक को फ्री डेमो राइट्स देकर पब्लिसिटी शुरू की थी और 6 घंटे में टोटल 700 पैसेंजर्स को सवारी कराई थी, जिसमें से 99% सब कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा था। डिजिट डिलीवरी रोबोट। वेल, हमें तो ये मालूम ही था। वैसे भी Amazon और FedEx के बारे में हमेशा से अफवाह रही है कि ये डिलीवरी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही Ford के बारे में भी खबर है कि 2021 तक वो ऑटोमेटिक टैक्सी और डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं। डिलीवरी वगैरह जैसे कामों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करना वैसे भी एक समझदारी का काम है, और इन सारी चीजों पर विचार करते हुए रोबोट बनाने वाले एक्सपर्ट्स भी हमारी बात से सहमत रहेंगे। डिजिट डिलीवरी रोबोट को ऐसे बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली कार्स के पीछे से खुद को अनफोल्ड करके बाहर निकलकर आपका पार्सल चुनते हैं और फिर उसे आपके दरवाजे तक ले जाते हैं। डिजिट एंथ्रोपोमॉर्फिक हैं, जिसका मतलब है कि दिखने और काम करने में ये इंसान जैसे लगते हैं, और 40 पाउंड जितना वजन ये आराम से उठा सकते हैं। बल्कि ये सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं, ऊंची नीची जगहों पर और कहीं टकराने पर अपना बैलेंस भी संभाल सकते हैं। डिजिट रोबोट ये सारे काम लाइडार के सेंसर्स और कुछ कैमरेज की हेल्प से करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार चलती है। HQ रियल रोबोट। HQ रियल रोबोट अब तक का सबसे टफ रोबोट है, क्या आपको नहीं लगता? इटली के रिसर्चर से ही आप पूछ सकते हैं, जिन्होंने 130 केजी वजनी रोबोट से भारी भरकम हवाई जहाज को खींचने का काम कर दिखाया है। 4 पैरों वाले इस रोबोट को इंस्टीट्यूटो इटालियानो डी टेक्नोलॉजिया IIT के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जो 90 मीटर ऊंचा, 1.3 मीटर लंबा, केवलार का बना हुआ, ग्लास फाइबर और प्लास्टिक मटेरियल्स के साथ कठिन हालात में भी आइडियल काम करता है। जमीन पर HQ रियल रोबोट को मजबूत टिकाऊ और पकड़ इसके पैरों के खास रबड़ के कारण है, बल्कि इतनी मजबूत है कि रोबोट 3300 केजी का वजन 10 मीटर तक आसानी से खींच सकता है। और ये सब कंट्रोल करने के लिए इस रोबोट को 2 कंप्यूटर्स द्वारा हैंडल किया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर दुनिया भर से 8 सबसे ज्यादा गजब के आविष्कार और मशीन्स की लिस्ट समाप्त होती है। आपके ख्याल में कौन सा आविष्कार या मशीन सबसे ज्यादा खास है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर।